गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नाउ स्टार्ट एक्सरसाइज 6B, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एड का फर्स्ट 2x + 3x + x + 5। आपका क्वेश्चन ये है 2x, 3x, x, 5x। क्या करते हैं, ऐड करने की बात आई है तो हमने पहले बता दिया आपको 2x + 3x + 5x + x या x + 5, इट्स ओके। तो आपको देखिए, यहाँ देखिए 2 और 3 5 हो जाएगा, 5 में 5 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा, 10 में 1 ऐड करेंगे हो जाएगा आपका 11x, इट्स ओके। या तो आप छोटे छोटे में सॉल्व कर लीजिए, 3 में 2 ऐड करेंगे हो जाएगा 5x, और 5 में 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 6x, 6 और 5 ऐड करेंगे 11x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 बताते हैं, -7x, 2x, 4x, -x, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अच्छा, इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ऐड में आपका अगर माइनस का साइन है तो सिर्फ ऐड वाले में माइनस साइन जैसे वैसे लिख लेते हैं, -7x + 2x + 4x - x। देखिए ये दोनों प्लस में है, 4 और 2 प्लस में हो जाएगा 6x, ये दोनों माइनस में है, 7 और 1 माइनस में तो हो जाएगा 8, 7 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, माइनस वही लगा देंगे, -8 में से 6 निकालेंगे तो हो जाएगा -2x, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 बताते हैं इसका, 6 (a+b) - 3 (a+b), तो देखिए दोनों को ऐड कर लेते हैं यहाँ, और 6 और 3 ऐड कर लेते हैं हो जाएगा 9, ये आपका हो जाता है 9, ये कितना हो जाता है 9 a+b। क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करते हैं, सिंप्लीफाई मीन सरलीकरण, सिंप्लीफाई का क्वेश्चन नंबर सेकंड, 3p + p - p + p - p। देखिए 3p + p 4p हो गया, +p 5p, कितना हो गया 5p, -p - p जोड़ेंगे -2p हो जाएगा, 5 में से 2 निकालेंगे हो जाएगा 3p, आपका ये आंसर हो जाएगा, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का है आपका ऐड, क्या है ऐड है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 आपका ऐड है, 3 का फर्स्ट आपको बताते हैं, 6a + 4b - 2a + 5b, जी ऐड करना है आपको, b वाला टर्म्स के साथ, a वाले टर्म के साथ ऐड कर लेते हैं, 6 में 2 ऐड करेंगे हो जाएगा 8a, और 5 में 4 ऐड करेंगे हो जाएगा 9b, ये आपका आंसर हो जाएगा। कहेंगे बहुत सरल है, वास्तव में ये बहुत सरल होता है अलजेब्रा जो आपके अर्थमेटिक से अपेक्षा में। सेकंड आपकी बात करते हैं, x + 5y - 3x + y, चलिए ठीक है, देखिए x का टर्म x के साथ, y का टर्म y के साथ, 5 पे यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ 1 मान लेते हैं, ठीक है, 5 पे 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 6y, ये बीच में प्लस है, और 3 में 1 ऐड करेंगे हो जाएगा 4x, ये आपका आंसर हो गया, इट्स ओके। क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं, ये भी आपका ऐड ही है, 2a + 3b + 1, 4a + 2b + 7, चलिए अब आपको ऐड करना है, 7 में 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 8, 2b में 3b ऐड करेंगे हो जाएगा 5b, 2 और 4 ऐड करेंगे आ जाएगा 6a, बीच में साइन सबका, यहाँ साइन प्लस है, यहाँ भी साइन प्लस है लगा देंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। 4 का ये फर्स्ट था, 4 का थर्ड की बात करते हैं, चलिए थर्ड बताते हैं आपको, फिफ्थ बताते हैं आपको, फाइव का फर्स्ट है, 3a - 4b है, 7a - 2b है, -2a + b, देखिए इसमें आपको ऐड करना है, ये दोनों देखिए, ये दोनों, इन दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा -6b,
सिक्स बी में से बी निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस फाइव बी। ठीक, देखिए इधर इन दोनों को ऐड करते हो जाएगा टेन ए, टेन ए में से टू ए निकालेंगे तो हो जाएगा एट ए, या साइन माइनस सा लगा दिए। अब आपको ये दोनों नंबर लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप यो मैं समझाने के लिए लिखा हूँ कि आप इन दोनों को ऐड करके इसको घटा लेंगे, ऐड सबट्रैक्ट कर लेंगे, इन दोनों को सबट्रैक्ट माइनस माइनस दोनों को ऐड करके साइन वाई लगा के इस वाले नंबर को सबट्रैक्ट कर लेंगे। ठीक है, इस नंबर को यहाँ से हटा देते हैं, अभी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करते हैं, किसकी सिक्स की बात करते हैं। सिक्स की बात करते हैं, सिक्स का फर्स्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस थ्री एक्स माइन प्लस फोर, फोर एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स प्लस सेवन, माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स माइनस टू। देखिए क्या करते हैं, सेवन और फोर इन दोनों को ऐड करते हैं, इलेवन आ जाएगा, इलेवन से टू निकालेंगे कितना आ जाएगा नाइन, ये प्लस हो गया। ये दोनों देखिए थ्री टू फाइव एक्स हो गया, 5x में से 5x निकालेंगे आ जाएगा 0x। ये देखिए x स्क्वायर में से x स्क्वायर निकालेंगे 0 हो जाएगा, 4 बाई x स्क्वायर बचा यही लिख लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इट्स ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।